आशी एजु है बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में। कि प्रतिबल और विकृति के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, हम वक्र बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो हमें किस तरह से आलेख प्राप्त होते हैं हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये वक्र है प्रतिबल और विकृति के मध्य। देखो जो पदार्थ होते हैं, भिन्न भिन्न जो पदार्थ होते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिबल और जो विकृति है उनके बीच में जो वक्र प्राप्त होते हैं ये भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। प्रतिबल और विकृति के बीच में जो वक्र बनाए जाते हैं, जो वक्र प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिबल विकृति वक्र उन्हें कहा जाता है। पदार्थ बहुत सारे होते हैं, उनके सबके लिए प्रतिबल और विकृति बीच ग्राफ अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, हम प्रतिबल और जो विकृति है ये जो वक्र प्राप्त होते हैं, हम इन वक्र की सहायता से ये जान सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो बढ़ते हुए लोड पर किस तरह से व्यवहार करता है। माना कोई पदार्थ है, हमने उसे लोड बढ़ाया है, माना हम तार को लगातार खींच रहे हैं भार बढ़ाते हुए, तो वो तार किस प्रकार से बिहेव करेगा हम इस बात का पता इस वक्र से लगा सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, कि अगर हम कोई तार है, कोई पदार्थ है, अगर हम उसे लगातार भार बढ़ा रहे हैं तो भार के साथ में वो तार किस तरह से बिहेव करता है उसका पता करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबल जो विकृति है, देखो प्रारंभ में हम देख पा रहे हैं कि जो सीमा है, जो प्रत्यास्थ सीमा है, इसके अंदर प्रतिबल और विकृति के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि बिंदु ओ से बिंदु ई तक उस पदार्थ में, उस तार में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, गुण मौजूद रहता है। यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर हम बाह्य बल को हटा लेते हैं, मानक पदार्थ है हम उस पे बाह्य बल लगा रहे हैं, अगर हम यहाँ तक उस बाह्य बल को हटा लेते हैं तो पदार्थ वह वस्तु अपनी उसी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी यहाँ तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। यानी जहां तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। यहां तक हम बाह्य बल को हटाते हैं तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। देखो इसे क्या, देखो अब इससे आगे जैसे हम देख पा रहे हैं बिंदु ई से बिंदु वाई तक जो ग्राफ है, जो वक्र है, ये वक्री होने लगता है। यानी बिंदु इससे अगर हम और बाहर बढ़ाते हैं, अगर हम बाह्य बल का मान और अधिक करते हैं तो धीरे धीरे उस पदार्थ में, उस तार में प्रत्यास्थ का जो गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जो वाई है, वाई वो बिंदु है, वाई वो बिंदु है जहां पदार्थ में कुछ ना कुछ विकृति शेष रह गई है, विकृति उत्पन्न हो गई है, तो अपन कह सकते हैं कि वह प्रतिबल जहां कुछ विशिष्ट तो देखो ये जो बिंदु है हमारा, हम इसकी बात कर रहे थे, तो जो बिंदु वाई है यहां तक उस पदार्थ में विकृति उत्पन्न हो जाती है, ये बिंदु ये कहलाता है पराविभव बिंदु। यानी यहां तक जो प्रतिबल है उसमें विकृति पदार्थ उत्पन्न हो जाती है, यहां तक पदार्थ में प्रत्यास्थ का जुड़ विद्यमान नहीं रहता है, यहाँ विकृति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या है, अब इससे अगर आगे हम और भार बढ़ाते हैं, अगर हम बल का मान और अधिक करते हैं और अधिक भार बढ़ाते हैं तो जो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है और अधिक वक्र होने लगता है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे और भार बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है ग्राफ वक्र होने लग जाता है और इससे आगे जो है तार पतला होकर टूट भी सकता है। इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि यहाँ बिंदु वाई से यू तक का जो क्षेत्र है ये प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। यानी अगर हम इससे आगे बल का मान और बढ़ा दे, अगर हम और भार बढ़ा दे तो तार टूट जाएगा पतला होकर के। इसलिए बिंदु यू जो है, देखो बिंदु यू है जो भंजक बिंदु है, अगर हम इससे आगे और भार बढ़ाते हैं तो तार टूट जाएगा, तो ये बिंदु भंजक बिंदु कहलाता है और भंजक बिंदु और पराविभव बिंदु के बीच जो क्षेत्र है ये प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। जिन पदार्थों के लिए इस क्षेत्र का मान बड़ा होता है वे बीज पदार्थ है, उनसे हम कुछ तार बना सकते हैं जैसे सोना चांदी के लिए, और जिनके लिए इस क्षेत्र का मान कम होता है वो भंगुर प्रकृति के होते हैं।
तो इस प्रकार से भंजक बिंदु वो बिंदु है, अगर हम इससे आगे और भार बढ़ा देंगे, बल को मान और अधिक बढ़ा देंगे तो तार टूट जाएगा, तो ये बिंदु जो है भंजक बिंदु कहलाता है। तो आप इस प्रकार समझ गए कि ये ग्राफ हमें ये दर्शाता है कि जो पदार्थ को किस तरह से व्यवहार करता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।